और मुझे प्रेरणा मिली आपकी कविता से या आपके शेरों से। मैं भी किसी की बीवी हूँ। अब तक कुछ हजार में जुल्म किए होंगे तो आगे ध्यान रखूंगी। और तो मैं सुनीता मुखर्जी, और लिखने का और सुनने का भी उतना ही शौक है। कुछ समय पहले मैंने ओपन माइक्स में आना शुरू किया है, तो मेरी प्रस्तुति उतनी अच्छी नहीं है शायद अभी तक जिन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, बट कोशिश है। अगर अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाएं। एक बात से शुरू करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि इश्क या मोहब्बत खुदा की दी हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे खूबसूरत तोहफा है। अगर आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से तो। और दूसरी बात, हम सब यहाँ पर काफ़ी सारे शायर हैं और आर्टिस्ट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायर का कोई मज़हब नहीं होता, और शायर जज्बाती होता है और उसकी अपनी ज़िंदगी में जो होता है उसके साथ, जो उसके आस पास होता है और देखता है, वो चीज़ें उसको छू जाती हैं, तो उसके बारे में भी कुछ कहना। तो मैं अपना पहली चीज़ जो है इश्क के बारे में बात की है, तो वतन से इश्क के बारे में कुछ कहना चाहूँगी और मैं शुरू करती हूँ। क्यों दूँ मैं अपनी वतन परस्ती का सबूत, क्यों दूँ मैं अपनी वतन परस्ती का सबूत, जब मैं खुद की ईमान हूँ। क्या कसर है मेरी सरफरोशी में, क्या कसर है मेरी सरफरोशी में, यही कि मैं मुसलमान हूँ। कह दो सारी आवाम से कि सर से पांव तलक मैं भी हिंदुस्तान। क्यों बताऊं मैं कि मैं भी उतना ही बेचैन हूँ, क्यों बताऊं मैं कि मैं भी उतना ही बेचैन हूँ, कि फना कर सकूं सरहद पे खुद को अपने मुल्क की खातिर। क्यों बताऊं मैं कि मैं भी उतना ही बेचैन हूँ, कि फना कर सकूं सरहद पे खुद को अपने मुल्क की खातिर, कि मैं भी अपने वतन की हिफाजत करता वो सरफिराज जवान। कैसे बताऊं कि मेरी रगों में दगा नहीं, कैसे बताऊं कि मेरी रगों में दगा नहीं, कि मेरे लबों का रंग मेरे भाइयों से जुदा जुदा। मजहब हो कि वतन परस्ती ही जिसका मजहब हो, मैं उस जैसे हर चेहरे की वो बेबाक पहचान हूँ। कह दो सारी आवाम से कि सर से पांव तलक मैं भी हूँ। हाँ मैं शायद दिखता अलग हूँ, हाँ मैं शायद, तो बस ख्याल आया कभी मुझे कि जमाने गुजर गए मैंने कुछ लिखा नहीं, एक अरसा हुआ मेरा दिल टूटा नहीं। सब कुछ ठीक ही तो है, सब कुछ ठीक ही तो है, फिर भी दिल जला सा है, जालिम गम के बिना कुछ खला सा है। वो बेचैन रातें भी अच्छी थी, वो तन्हा लम्हे क्या खूब थे, सोच के अच्छा लगता था कि हम भी किसी के महबूब। रात भर रोया किए हम तकिए की सोहबत में, वो गमजदा दिल हुआ अब कहाँ किस्मत में। जमाने गुजर गए मैंने कुछ लिखा नहीं, एक अरसा हुआ मेरा दिल टूटा। टाइम है ना टाइम। तो अब है विरह के बारे में। एक प्रेमिका है जो विरह में यहाँ पर कल्पना कर रही है कि जब वो मिलेंगी अपने महबूब से। जलने दे मुझको इस ज्वाला में, जिसको लौ दे मोह तेरा, पीने दे गमे हिज्र मुझे, इसमें भी है इश्क तेरा। ये अग्नि तेरे तन मन की, ये पाँव मेरे अंगारों पे, ये धड़कती रूह मेरी, ये तपन मेरी सांसों में, वो सहरा सी रूखी आंखें, कीकर से होंठ मेरे, राह देखें शामो सहर, होती यूं ही रात बसर।
और फिर वो कहती हैं कि जब मिलेंगी तो तब के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं, क्यों न तर कर दे मुझे वो एक भीगा स्पर्श तेरा, क्यों न तर कर दे मुझे वो एक भीगा स्पर्श तेरा, जलती रूह को भिगो दे आबे इश्क में ज़रा, पिघल जाने दे बरसों की तपन, पिघल जाने दे बरसों की तपन, मेरे अश्कों से बहेगी वो पीड़ा वो जलन, तेरी बाहों की गर्मी में बह जाएगा हिजर सारा, तेरी बाहों की गर्मी में बह जाएगा हिजर सारा, रह जाएंगे हम और ये नादा इश्क हमारा। एक शेर से अपनी जगह लेना चाहूंगी, तेरा जब भी जिक्र आया हम इश्क पिया करते हैं, तेरा जब भी जिक्र आया हम इश्क पिया करते हैं, मैं खाने तो यूं ही बदनाम हुए, मैं खाने तो यूं ही बदनाम हुए, ये नशा हम रोज किया करते हैं। एक बार तालियों जाए।